दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक शिकारी जानवर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लकड़बग्घा। दोस्तों, लकड़बग्घा एक बेहद शक्तिशाली जबड़े वाला जानवर है। इसके दांत बेहद नुकीले होते हैं। कई बार ये लकड़बग्घे मिलकर जंगल के राजा यानी शेर को भी पछाड़ देते हैं। क्या आपको पता है, लकड़बग्घे हर साल अपना लिंग यानी मेल और फीमेल में बदल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि लकड़बग्घे को पर्यावरण का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि लकड़बग्घा बचे शिकार को साफ कर देता है। लकड़बग्घे दो प्रकार के होते हैं, एक धारीदार लकड़बग्घा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, और ये लकड़बग्घा अपना जीवन एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। धारीदार लकड़बग्घे की संख्या अधिक है, वहीं ये लकड़बग्घा अफ्रीका में भी पाया जाता है। दूसरे प्रकार का लकड़बग्घा चीतल लकड़बग्घा होता है, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं और वे झुंड में रहते हैं। लकड़बग्घे की लंबाई 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तथा वजन 40 किलोग्राम तक होता है। चीतल लकड़बग्घे अक्सर किसी झुंड में से अपने शिकार का चुनाव करते हैं और फिर उसे चुनने के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार को कहीं दूर दौड़ाकर खत्म करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 वर्ष के बाद बच्चा देने योग्य हो जाती है और एक बार में 2 से 3 शावकों को जन्म देती है। चीतल लकड़बग्घे कीट पतंगों को खाता है, टिड्डों का विशेष शौकीन है। गर्मी में जब तालाब सूखने लगते हैं तब लकड़बग्घे तालाब से मछली पकड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जंगल में ऐसे कई दृश्य देखने को मिलते हैं जब लकड़बग्घे जंगल के दूसरे जीवों पर भारी पड़ते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा लकड़बग्घे पर शोध से पता चला कि लकड़बग्घा किसी प्रॉब्लम को और सोशल कॉरपोरेशन में चिंपांजी से बेहतर होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लकड़बग्घे अपनी समस्या को साइलेंट होकर सोल्व करते हैं। लकड़बग्घे कई दफ़ा शेर को भी पछाड़ देते हैं और शेर के छोटे शावकों का शिकार भी करते हैं। अधिकतर शेर और लकड़बग्घे एक ही क्षेत्र में शिकार करते हैं और देखने में आता है कि कई दफ़ा ये दोनों ही जीव एक ही शिकार पर अपना दावा करते हैं। खासकर चीतल लकड़बग्घे बेहद ही चालाक शिकारी होते हैं। 95% भोजन लकड़बग्घे शिकार करके जुटाते हैं। मादा लकड़बग्घे नर के मुकाबले ज़्यादा गुस्सेल होते हैं। इसका कारण यह है कि मादा लकड़बग्घे में नर के मुकाबले अधिक टेस्टोस्टेरोन रहता है। लकड़बग्घों से इंसानों की कई बीमारियां ठीक होती है। पूर्वी भारत में लकड़बग्घे की जीभ और चर्बी सूजनों और रसोलों को बिठाने के लिए काम में लाई जाती है। अफ्रीका में इसकी चर्बी रोगग्रस्त अंगों पर मली जाती है। मिस्र में नील घाटी के लोग दीर्घायु होने के लिए इसका दिल खा जाते हैं। इसे मनुष्य के लिए कई तरह से उपयोगी माना गया है।